हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आज हम जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वो है फोटोशॉप सीएस के सॉफ्टवेयर से हम कैसे पासपोर्ट साइज फोटो हम बनाए। ठीक है, तो ये फ्रेंड एक रिक्वेस्ट का वीडियो है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कैसे हम फोटोशॉप से पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते। और इस वीडियो में फ्रेंड मैं सिर्फ वही दिखाऊंगा कैसे हम अपना खुद का टेक लेके हुआ एक फोटो और उसी से हम कैसे फोटोशॉप से हम कैसे पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं, मगर उसका इफेक्ट हम फ्रेंड इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जिस पिक्चर को हम फोटो से इसमें निकाला है, हम एडिटिंग करने के लिए लेकर आता हूँ तो उस फोटो में ब्राइटनेस कम है और बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उस वीडियो का एडिटिंग में बाद में दिखाऊंगा। फ्रेंड इस वीडियो में फ्रेंड दिखाऊंगा कैसे आप पासपोर्ट साइज फोटो पर पासपोर्ट साइज फोटो आप तैयार करें। ठीक है, तो आपके पास एक फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है इसके लिए फ्रेंड। और दूसरा, अगर आपके पास नहीं है तो गूगल में जाकर आपको सर्च करना पड़ेगा। यानी कि ये देखिए, ठीक है, तो ये देखिए, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ले तो आपको ऐसे अगर आप प्रेस करें तो इसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर आ जाएगा। यानी कि ये देखिए, हम सिर्फ ऐसे अगर मारे तो इसे डिलीट करके, ये देखिए फोटोशॉप का और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर इसमें आ जाएगा। तो आपको फ्रेंड इससे कोई भी उठाकर आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करके पहले डाउनलोड करना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको क्या करना है मैं वो दिखा रहा हूँ फ्रेंड आज वीडियो में। ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा फ्रेंड आपके लिए। तो ये है फ्रेंड हमारा एडोबी फोटोशॉप सीएस का सॉफ्टवेयर है, मैंने ओपन किया है इसको। और इसको क्या करना है, अभी हमको एक पिक्चर लेना है। ये देखिए, जैसे कि मैं फाइल में क्लिक कर रहा हूँ फ्रेंड, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हमें करेंगे फ्रेंड, ये ओपन में हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका बहुत सारा टेक्निक होता है, मगर मैं एक दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हम एक फोटो लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये फोटो है फ्रेंड। ठीक है, हम इसे हम पासपोर्ट साइज फोटो बनाएंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत बड़ा फुल फोटो है, तो इसे हम पासपोर्ट साइज फोटो बनाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, ये देखिए इस टूल को, क्रॉप टूल कहते हैं इसे फ्रेंड, इसे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है फ्रेंड, ये देखिए ऊपर में, इसमें ये देखिए ऊपर में, आप देखिए, पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये देखिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है फ्रेंड, वेथ यानी कि 1.5 इंच लिखा है, हाइट यानी कि 2 इंच लिखा है और रेजोल्यूशन 20 लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये इसे भी आप कर सकते हो और इसे थोड़ा सा कम करके, यानी कि आप 1.5 इंच और आप क्या कर सकते हो 1.3 इंच आप कर सकते हो और इसे भी 1.8 भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 2 इंच से थोड़ा सा कम और इसमें भी कम। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे ही छोड़ देने के बाद फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, हम बाद में हम क्या करते हैं, अपने जो इमेज साइज है इसे हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, हम पहले इमेज को छोटा करेंगे, बाद में अपने जो कैनवास है उसे हम बढ़ाएंगे। कैनवास का मतलब है फ्रेंड, जैसे कि पिक्चर हम जैसे कि उसके होता है, जैसे कि इसका साइज होता है, उसे हम कैनवास कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके पहले हम कम कर दें, थोड़ा सा कम कर दें, हम इसे ठीक करेंगे फ्रेंड।
और इसे हम करेंगे 1.8, ठीक है। तो इसे करने से क्या होगा, इमेज छोटा हो जाएगा, ठीक है। और आप और भी कम कर सकते हो, यानी कि आप 1 इंच से 1 पॉइंट आप कम भी कर सकते हो, ठीक है, और भी थोड़ा सा कम कर सकते हो। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए इसी तरह हमें लेना है, ठीक है, हम ऐसा लेंगे और ठीक है, हम इस तक हम लेंगे। उसके बाद हम आपको फ्रेंड ये कीबोर्ड से आपको एंटर मारना होगा, ठीक है। तो ये देखिए हम जैसे अपना माउस के रूलर को घुमा रहे हैं, वो बड़ा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है। और अब क्या कर सकते हैं, ये देखिए ऊपर में जैसे कि इसमें, ये देखिए इसमें से आप इसे छोटा कर सकते हो, ठीक है। इसे नेविगेटर कहते हैं फ्रेंड, ये देखिए ये बड़ा होता है और छोटा होता है, यानी कि आप लोग ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में अगर आप बड़ा करना चाहते हैं जिसे लेकर इसे ऐसे उठा उठा कर आप भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो फिट ही है, हम तो इस तक करेंगे और अपने रूलर से भी इसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए हमें साइज में एक बॉर्डर देना है, ठीक है। हम सिलेक्शन टूल में जाएंगे और उसके बाद देखिए फ्रेंड इसको कैसे हम करते हैं, ठीक है, ये देखिए ठीक है, ये सिलेक्शन कर दिया। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए हमें एडिट पर क्लिक करना, ठीक है फ्रेंड, ये देखिए उसके बाद फ्रेंड हमें क्या करना है, स्ट्रोक पे क्लिक करना है। हम स्ट्रोक पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक छोटा सा ये टूल आ जाएगा, ठीक है, यानी कि छोटा सा एक ब्राउजर आ जाएगा। और इसमें से हम क्या करना है, ये देखिए इसका लोकेशन दे दिया, जैसे कि हमें सिलेक्शन क्या है, इसके इनसाइड में करना है और सेंटर में करना है और आउटसाइड में करना है, ठीक है। तो आप जैसा ले सकते हो, तो हम सेंटर में धरे आ रही है, 4 पिक्सल हमने वेथ का रखा, अब इसे कम कर सकते हो और भी बढ़ा सकते हो। और कलर इसमें है फ्रेंड, जैसे कि मैंने ब्लैक किया है, ब्लैक ठीक ठाक है, बाकी सब ये देखिए कैसा है, इसको ऐसा ही रखना है, हमें कुछ नहीं चेंज करना है इसे, ठीक है। और उसके बाद इसे ओके करना है, ये देखिए ये बॉर्डर होगा यानी कि स्ट्रोक होगा। अब उसके बाद हमें ये उठाना है इसे, ठीक है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, सिलेक्ट को क्लिक करना है, सिलेक्शन को उठाना है, सिलेक्शन डिसले, ये देखिए ये उठ गया और साइड से कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड ठीक है फ्रेंड, ये देखिए जैसे कि हमें इसमें इमेज पे क्लिक किया है और उसके बाद हमको ये कैनवास साइज में आना है, ठीक है, यानी कि इमेज और क्लिक करके पहले से ही आ गया है।